आप सभी को अनुराधा का नमस्ते। मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मधुकामनी का पौधा, जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। शाम का टाइम है और चारों तरफ इसकी खुशबू बहुत तेज़ आ रही है। अभी फूल पूरी तरह से खिले नहीं है ये, और ये प्लांट की मैंने की थी रिपॉटिंग मार्च में, और इसमें डाली थी खाद, गोबर की खाद डाली थी मैंने, नीम की खली डाली थी, फंजीसाइड डाला था और डाला था बोन मील और थोड़ी सी रेत मिक्स करके इसका गमला भरा था और इसकी रूट बॉल को छोटा किया था। इसकी टहनियों की प्रूनिंग कटिंग की थी मैंने, तो जिसका रिज़ल्ट ये है कि इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग तब से लेकर अब तक, यानी कि 3 बार ये फ्लावरिंग कर चुका है। पहले मैंने इसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि गर्मी बहुत थी, शाम को फूल खिलता था और सुबह तक फूल मुरझा जाते थे गर्मी की वजह से। इतना सुंदर प्लांट है और जो इसके सुंदर सुंदर फूल हैं वो आकर्षित करते हैं पेस्ट को भी। इसके अंदर स्पाइडर माइट भी लग जाती है और तरह तरह के कीड़े भी लग जाते हैं, तो आप नीम ऑयल का सॉल्यूशन बनाकर अपने इस प्लांट पर डाल दीजिए। मैं भी नीम ऑयल का पेस्टिसाइड बनाकर ही अपने प्लांट पर स्प्रे करती हूँ, इसी पर नहीं अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे कर देती हूँ। और जब इसकी खुशबू आती है तो बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, लगता है कि यहाँ पे कम से कम आधा एक घंटा यहीं इसके प्लांट के पास ही बैठा जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये प्लांट है और उस पर ऐसी फ्लावरिंग हो रही है तो आप इस प्लांट को अब नीम की खली, सॉरी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। DAP है तो आप DAP भी डाल सकते हैं। वैसे तो बारिशों में ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, लेकिन कुछ स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र जैसे DAP हुआ, बोन मील हुआ, जो कि फ्लावरिंग प्लांट को बहुत अच्छा लगता है, वो आप थोड़ा दे सकते हैं। और जो भी आपके प्लांट्स हैं उन्हें आप सही तरह से हम अगर ख्याल रखते हैं उनका, तो उनमें फ्लावरिंग भी होती है। सुबह का टाइम है, देखिए शहद की मक्खी इस पर घूम रही है और फूल पूरी तरह से खिल गए हैं। इतनी खुशबू अब नहीं आ रही जितनी शाम को आ रही थी। शाम को बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी, दूर दूर तक आ रही थी। और इसको ग्राउंड पे भी लगाया जा सकता है और इसकी हैज बहुत अच्छी लगती है। तो अगली वीडियो पर फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ख्याल रखें। बाय।